सुनता हूं या एक ऐसी ब्रिगेड, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन कोई एक ऐसी ब्रिगेड जो कि सिर्फ किसी एक आदमी का विरोध करने के लिए झुकती नहीं है, फौज के लिए भी कुछ कहने के लिए, देश के लिए भी कुछ कहने के लिए, क्योंकि वो अपने लोग हैं, इसीलिए हम उनसे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में है या कहीं बंबई में बैठे हुए हैं, वो कोई भी ब्रिगेड हो सकती है, और वापसी से लेके किसी भी तरीके की ब्रिगेड। देश सबसे बड़ा होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूं। और गुरु जी, ये बात मैं आपके सामने इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूं ट्विटर के ऊपर, और उसके ऊपर मेरे खास दोस्त जिसकी फिल्म को लास्ट टाइम नेशनल अवार्ड मिला, जब उनके पास पैसे नहीं थे और उनको ये पिक्चर बनानी थी, तो वो दिन रात मुझे उसकी कहानी उन्होंने सुनाई थी, और उसमें एक रोल भी मुझसे करवाया था जो कि बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और जब ये पीछे ट्विटर पर मैंने किसी चीजों का विरोध किया कि देश बड़ा होता है, आपको अगर किसी पार्टी से या किसी चीज से प्रॉब्लम है तो आप तिरंगे झंडे को खाली नहीं कर सकते हैं। मैं खड़ा नहीं होगा झंडे के लिए, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरा दिल रोता है इस चीज से। और फिर मैंने जो लिखा उसकी वजह से गुरु जी मुझे दो फिल्मों से निकाल दिया है। लेकिन ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है, मेरी बेस्ती को उससे नहीं बनी हुई है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ये जो पूजा मूवीज क्रिएशन ने ये जो किया है, इन लोगों ने जो किया है, ऐसा पूरे देश में जो आपने जो लहर चलाई है, मैं चाहता हूं बिट्टा जी जैसे लोग, बिट्टा जी को बिट्टा जी चले गए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता था कि बिट्टा जी ने हर्ष गुप्ता से बंबई में कहा, जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, कि ये लड़का मेरे से शक्ल मिलती है तो यही मनजिंदर सिंह बिट्टा का रोल करेगा। तो बिट्टा जी को मैंने एक सीन सुनाया था और बिट्टा जी की आंखों में आंसू आ गए बंबई में। तो फिर मैंने कहा कि सर हम कलाकार हैं, हम तो इसी तरीके से देश की या किसी अपने देश को दे सकते हैं। तो ये जज्बा इसीलिए है कि कहीं से हमको फील करते हैं, और मैं तमाम कलाकारों की तरफ से ये कहता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री देश के लिए, फौज के